गुड मॉर्निंग राधे राधे, हैप्पी टीचर्स डे। और आज टीचर्स डे है और मेरे बाल देख रहे हैं। मैं जस्ट अंश को छोड़ के आई हूँ स्कूल से, उसकी डे बोर्डिंग है। 10:30 थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मुझे सीधा घर पे आई हूँ। और कपड़े सूखे हुए थे, फटाफट आके कपड़े उतारे। तो मैंने छोटा, आज टीचर्स डे है तो कुछ तो बदला चाहिए ना, तो मैं अपनी एक टीचर के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। हर किसी के लाइफ में ना एक टीचर ऐसा होता है, कोई बोलता है मेरी माँ है, मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों मेरे लिए बहुत अच्छी टीचर रही हैं। बहुत कुछ मुझे उन्होंने सिखाया है, सासू माँ ने भी, के मुसीबतों में कैसे किस चीज़ का सामना किया जाता है, माँ ने भी सिखाया। तो मेरे यहाँ पे ना लड़कियों को कूड़े का कबाड़ बोला जाता है, तो ददियाल में, तो इसलिए ददियाल से हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी ने हम लोगों को जैसे भी पाला है ना, अकेले ही पाला है पापा के बिना, क्योंकि मेरे पापा का भी यही मानना है कि लड़कियाँ कूड़ी का कबाड़ होती हैं। तो मेरी एक ना मैम थी, इंदू मैम, तो मैं उस टाइम 7th क्लास में थी। और वो हमेशा ना एक, वो भी सिंगल मदर थी, उनके हस्बैंड मतलब नहीं थे, दुनिया में ही नहीं थे। मेरे पापा तो हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं नहीं है, क्यों, क्योंकि किस किस को हम सफाई देंगे ना, तो होता है कभी कभी, तो यही चीज़ है। तो इंदू मैम थी ना, तो इंदू मैम मेरे को हमेशा मतलब एक चीज़ कहा करती थी, मतलब उनके बच्चे थे ना, उनके बच्चों से मेरा फ्रेंड की तरह रिश्ता था। तो कभी कभी मैं उनके घर भी चली जाती थी उनके बच्चों के साथ, या मतलब होता था कभी कभी। तो 7th क्लास में थी तो हमेशा ना इंदू मैम एक चीज़ कह करती थी, और मैं उस चीज़ को ना आज तक फॉलो भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है नहीं यार बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ। तो क्या मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ, या वो मैम सही कहती थी या गलत कहती थी, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। वो हमेशा कहती थी कि कभी आपसे कोई गलती हो जाए ना, तो उसमें शर्माना नहीं, माफ़ी मांग लेना। और मैं करती भी हूँ, मैं पहली बार माफ़ी मांगती हूँ, एक गाल पे चाटा पड़ जाता है, दूसरी बार फिर मांगती हूँ, फिर दूसरे गाल पे भी चाटा पड़ जाता है, तीसरी बार फिर मैं नहीं मांगती, फिर मैं भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि भगवान अब जो भी है ना, अब आप ही देखना बस। तो यही चीज़, ये वो हमेशा मुझे सिखाया करती थी कि बेटा आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, दूसरे के कर्म दूसरे के साथ जाएंगे, लेकिन किसी के साथ गलत करके आप इतना उसके ऊपर हावी मत होना कि सामने वाला ना डिप्रेशन में चला जाए या वो टूट जाए, यार मैं कहाँ गलत था, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं कहाँ गलत था। तो वही चीज़ मेरी ही है, मेरे से अगर कोई गलती होती है ना, तो मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, 2-3 बार मांग लेती हूँ, कोई बात नहीं, 4 बार भी मांग लेती हूँ, मेरे से गलती होती है तो फिर मुझे कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे से गलती नहीं होती तब भी मैं 2 बार माफ़ी मांगती हूँ। पहली बार इंसान कहते हैं ना, कोई चाटा मारेगा तो हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन कोई ये जवान है ना इससे बोलेगा तो उसकी जवान हम नहीं पकड़ सकते। तो यही चीज़ है, तो पहली बार मैं किसी से माफ़ी मांगती हूँ तो पहला चाटा मैं चुपचाप हंस के बर्दाश्त कर जाती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको लगता है ना, ठीक है। फिर दूसरी बार भी मैं ऐसा करती हूँ, फिर दूसरे गाल पे भी ठीक है यार, फिर तीसरी बार मैं उसको जवाब नहीं देती, क्योंकि ऐसे इंसान को जिसको अपनी गलती ही नहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही है, वो इस हद तक नीचे गिर सकता है कि वो आप जो गलती आपने नहीं की ना, उसको आपको एहसास कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिर मैं ये करती हूँ कि फिर मैं आँख बंद करके बैठती हूँ और भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो इंदू मैम, पता नहीं आप मेरी ये वीडियो कभी देखेंगी कि नहीं देखेंगी, लेकिन थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसा करके मुझे सुकून बहुत मिलता है। मैं गलत नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है नहीं यार, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना, अब सामने वाला उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इंदू मैम के लिए थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा हमें दी है। और मैं आपकी वो मार कभी नहीं भूलूंगी, मैं बहुत डांट खाती थी आपसे, और मेरी शादी के टाइम भी आपने मेरी मम्मा को कितना डांटा था ना, कि इतनी छोटी सी एज में शादी नहीं करनी चाहिए, है ना, पढ़ने देना चाहिए, लेकिन मैं जितना भी पढ़ी ना आज, थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी टीचर्स डे सभी को।